हाय, आज हम बनाएंगे सेव या सन्नापूसा। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक और बस 1 चिटकी हल्दी डालेंगे। अब एक पैन गरम कीजिए, इसमें 1/4 टेबल स्पून अजवाइन डालिए या फिर आप हींग भी डाल सकते हैं। इसको ज़रा भून लीजिए और पाउडर कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून गरम ऑयल डालेंगे और अपना अजवाइन का पाउडर डाल देंगे। एक बार हल्के हाथ से मिला लीजिए और धीरे धीरे करते हुए वाटर मिलाइए जब तक ये स्टिकी डो ना बन जाए। देखिए, आटा थोड़ा स्टिकी ही हो सकता है, आप पानी ज़रा देखकर डालिए। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो और थोड़ा आटा डालिए, मतलब बेसन का आटा। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, आटा स्टिकी ही होगा। आप अगर ऐसे धीरे से आटे को खींचेंगे तो ये ऐसे स्टिकी स्टिकी होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। अब इसको बस 5 मिनट्स के लिए रख दीजिए। ऑयल एक बार कोट कर लीजिए और 5 मिनट्स के लिए रख दीजिए। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा होता है तब तक हम ये चक्रम का जो जार होता है इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। इसको हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, पहले अंदर तक पूरा का पूरा ऑयल लगा लेंगे, वरना ये पूरा स्टिकी स्टिकी हो जाएगा और जार से बाहर नहीं निकलेगा। इसमें कई सारे प्लेट्स होते हैं, हम यहाँ पर ये बारीक वाला लेंगे, इसको भी ऑयल से कोट कर लेंगे। अब ऑयल का छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको भी ऑयल से, सॉरी, डव का छोटा पोर्शन लेकर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें फिल कर लेंगे धीरे से। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल लेंगे चक्रम को। सेव को डालने के बाद आप फ्लेम को सिम कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रीम होने तक वेट करना है, क्योंकि ये बाहर निकालने बाद और थोड़ा कलर आ जाएगा। बस काफ़ी है, 1/2 मिनट काफ़ी है। अब इसको दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ऐसे ही बाकी के भी तल लीजिए। ये देखिए, बन गया हमारा सेव या सन्नापूसा। मैंने यहाँ पर मोटे वाले से भी बनाया है, ये भी सेम टेस्ट होता है लेकिन मोटा दिखता है, बस क्रिस्पी ही होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।